चार साल से बंद पड़े गिरिडीह सीसीएल के कबरीबाद कोयला खदान को लंबी प्रक्रिया के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कंसर्ट टू ऑपरेट यानी सीटीओ निर्गत कर दिया। शनिवार को बोर्ड ने सीटीओ की प्रतिलिपि गिरिडीह परियोजना कार्यालय के साथ डीसी और जिला खनन अधिकारी के नाम भेजा तो गिरिडीह के बनियाडीह में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि सीटीओ और एनवायरमेंट क्लियरेंस के अभाव में कोयला उत्पादन ठप था तो हजारों ट्रक मालिक और मजदूर बेरोजगार बैठे थे। लेकिन लंबे इंतजार के बाद सीसीएल के इस कोयला खदान को एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल गया, लिहाजा शनिवार की शाम गिरिडीह परियोजना कार्यालय में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू का स्वागत किया गया तो मौके पर सीसीएल के कर्मियों के साथ ट्रक मालिकों और मजदूरों ने जमकर आतिशबाजी की, गुलाल उड़ाए और सदर विधायक को साधुवाद देते हुए माला पहनाया। मौके पर जीएम मनोज अग्रवाल और परियोजना अधिकारी समेत गिरिडीह परियोजना कार्यालय के कई अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। इधर स्वागत से अभिभूत सदर विधायक सोनू ने कहा कि अगले माह मार्च के पहले सप्ताह में कबरीबाद कोयला खदान में कोयला उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि जितनी मशीनें आनी थी वो आ चुकी हैं और जो नहीं आई हैं वो अगले एक दो दिन में आएंगी। इसके बाद कोयला खदान चालू हो जाएगा तो वहीं उन्होंने अगले कुछ दिनों में लोकल सेल के भी शुरू होने की उम्मीद जताई। इन ठोकरों ने, धक्कों ने ये बता दिया कि सीटीओ कैसे आता है, सिटी कैसे आता है, ईसी क्या होता है, ये तमाम चीज़ों को समझाया और कोलेवी की भी जो टीम थी उसने भी बेहतर काम किया और जहाँ तक संभव रहा सब लोग, और सबसे महत्वपूर्ण तो हमने कहा ना अपने वक्तव्य में कि लोग जो उम्मीद भरी निगाहों से देखते थे वो बड़ा प्रेशर देता था। 15 अगस्त को यहाँ यूनियन कार्यालय में झंडा फहराने आए थे, समय बोल कर देखे 1 से 1.5 महीने के अंदर में। बाद में स्थिति बनी कि 1 से 1.5 महीना जब नहीं हुआ तो हमको इधर आने में परेशानी, हम बोल रहे थे हम नहीं जाएंगे भाई, लोग हमसे पूछेगा कि क्या हुआ तो हम क्या जवाब देंगे। आज वास्तव में बड़ा खुशी का दिन है कि आज होली के मौके पर एक साथ होली और दिवाली मनाने का मौका है। 4 वर्षों के लंबे अंतराल में यहाँ की अर्थव्यवस्था के ऊपर बड़ा कुछ प्रभाव डाला है। उम्मीद है कि वो ये दिन करेंगे और यहाँ पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान और रौनक लौटे थे। और साथ साथ मैंने एक बात की और घोषणा भी की, आज फरवरी माह में आपको सीटीओ मिल गया और मार्च माह में सड़क का हम लोग शिलान्यास कर देंगे, ये भी संभावना है। और गिरिडीह कोलेवी का नक्शा कम से कम ऐसा बदल गया कि 6 महीने बाद जब लोग आएंगे तो उनको ये समझने में दिक्कत होगी कि वही गिरिडीह कोलेवी के दूसरा है। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल, एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11, सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य, गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा, तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।